ये हम लोग रानी खेत के लिए निकलने वाले हैं आज, और थोड़ा अपना ये हेक्सा वार्म अप हो रही है और निकलना है बस। तो स्टार्ट कर रहे हैं, मज़ा आएगा रानी खेत में, काफ़ी अच्छी जगह है। ये हमारी गाड़ी है, बहुत प्यारी गाड़ी है। ठीक है तो अब चलते हैं, चला जाए। ये देखिए फ्रेंड्स, रानीखेत जाने के रास्ते में बहुत सुंदर सुंदर जगह पड़ती हैं। ये एक जगह हमने अपनी गाड़ी रोक रखी, नीचे देखिए कैसे खेत दिखाई दे रहे हैं और ये घर दिखाई दे रहे हैं। ये रोड जा रही है, देखिए मैं बाहर जाके दिखाता हूँ आपको। ये देखिए कितने दूर दूर ये देखिए घर बने हुए हैं, यहाँ लोग रहते होंगे, उनकी दिनचर्या अलग होगी, कैसा लगता होगा उनको रोज ये सब घर बने हुए हैं उनके। ये नीचे देखिए कैसे खेत बने हुए हैं, खेतों के बीच बीच में घर बने हुए हैं। ये देखिए बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है रानीखेत जाते समय। और ये हमारी हेक्सा है, बहुत ही कैपेबल गाड़ी है, पहाड़ों के लिए सबसे बेस्ट गाड़ी इस समय जो है वो यही गाड़ी है हेक्सा। मस्त चलती, रियर व्हील ड्राइव, स्कॉर्पियो सब इसके आगे बेकार है। इसमें देखिए कैप्टन सीट भी आती है बढ़िया, बीच में बेंच वाली सीट भी आती थी, कैप्टन सीट भी आती है। और इसमें ये देखिए एसी वेंट्स बीच में भी हैं, किनारे भी लगे हुए हैं, जो ज़रूरत की चीज़ है वो इस सब गाड़ी में दी हुई है। बहुत सी गाड़ियों में फालतू फीचर देते हैं लेकिन ज़रूरत की चीज़ नहीं देते हैं, बाकी जगह कंजूसी कर जाते हैं। अब इसमें गर्मियों में एसी की हवा चाहिए होती है, पीछे चार चार वेंट्स देते, पीछे तक वेंट्स दे रखे हैं स्कॉर्पियो में, रियर सीट पैसेंजर के लिए वेंट ही नहीं है। और ये रहा, पहुँचा दिया गाड़ी, बहुत समय से मैं ये चला रहा हूँ, अक्सर पहाड़ों पर आता हूँ। और ये देखिए क्या नज़ारा है, क्या शांति है, दूर दराज गाँव में बसे हुए लोग, एक ये भी ज़िंदगी है, एक शहर की ज़िंदगी है, ये इनकी जिंदगी है। हाँ, क्या लाइफ है यहाँ की। हो सकता है यहाँ भी बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं लेकिन अलग तरह की लाइफ है। अब देखिए मैं आपको दिखाता हूँ दूर कहाँ कहाँ घर बने। ये देखिएगा, ये शायद आपको दिखे कैमरे में, एक मिनट, ये देखिए कहाँ कहाँ घर बने। ये घर बना है, ये बना हुआ है, वाओ। ये देखिए और थोड़ा से खूबसूरत नज़ारे, कैसे सीढ़ीनुमा खेत बने हुए हैं। ये नीचे स्कूल है बच्चों का, ये देखिए ये बच्चे दिख रहे हैं, ये है नीचे रास्ता जा रहा है। ये सामने देखिए जंगल में किसी ने थोड़ी आग लगाई हुई है, और ये पहाड़ हैं, और ये कोई पुराना घर वर है, टूट गया लग रहा है, कैसे उसके पीछे ये सब निकला हुआ है। और ये हमारी हेक्सा खड़ी हुई है, ज़बरदस्त गाड़ी हेक्सा, किंग ऑफ ऑल एसयूवीज, बिग डैडी फॉर्च्यूनर। फॉर्च्यूनर 55 लाख रुपए लेता है, नाम भी तो है, रिलायबिलिटी भी तो है। रिलायबिलिटी ये हम लोग रानीखेत से थोड़ा और आगे आए थे ऐसे ही घूमते हुए, और ये नज़ारा और पेड़ दिख रहे थे तो हम थोड़ा रुक गए। ये देखिए कितना बढ़िया नज़ारा है, देखिए ये देखिए, शिखा कैसा लग रहा है यहाँ? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, बहुत ही हरियाली, बहुत ही शांति है यहाँ पर। Thank you.
ये रानीखेत से आते समय एक जगह रुके हुए हैं लंच करने के लिए। ये आप देखिए नज़ारा बाहर का, ये नज़ारा है। ये देखिए कैसे सीढ़ी नुमा खेत बने हुए हैं, ये क्या व्यू है, क्या नज़ारा है, यही है पहाड़ों की खूबसूरती।